हेलो फ्रेंड, स्वागत में GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक रेडमी का A3 फोन कुरियर हुआ है। ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। जिस किसी भाई ने इस फ़ोन को दिया है, उनका कहना ये था कि चलते चलते ये फ़ोन बंद हो गया है। इस फ़ोन पे कुछ भी काम किया नहीं है अभी, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करके रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम DC मशीन से चेक कर लेते हैं कि इसमें अभी हमारा DC मशीन पर रीडिंग है वो क्या ले रहा है, कितना एम्पियर कंजप्शन ये ले रहा है। तो DC मशीन की रीडिंग को आप ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे लिए DC मशीन की रीडिंग से बहुत कुछ पता चलता है। तो यहाँ पर 150 यानी कि 150 की रीडिंग पर स्टक हो गया। ऑटो करंट ले नहीं रहा है ये। हम पावर बटन दबा रहे हैं तो 150 पे जाके स्टक हो जा रहा है। 150 पे जाके हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा स्टोरेज IC का होता है। अगर उसमें MMC या UFS प्लस रैम दे रखा हो तो स्टोरेज IC बोल सकते हैं। स्टोरेज IC को रिवॉल्व करना पड़े, या फिर वो फॉल्टी हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसमें किसी फोन में डॉल डेकर होता है तो 150 के आसपास की रेटिंग पर स्टक होता है, तो रैम का प्रॉब्लम होता है। तो इस फोन में तो एक ही IC है स्टोरेज, इसमें कोई रैम अलग से नहीं है। तो ये फॉल्ट वो हमारा स्टोरेज IC का है। बट इस फोन में जो प्रोसेसर लगा है वो कॉलकॉम का लगा है 6125, और 6125, 6150, 7125, 7150 ये 4 CPU हैं, जिसमें ज़्यादातर CPU का फॉल्ट बनता है, ड्राइव हो जाता है। और अधिकांश देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे लिए MI के फ़ोनों में ये फॉल्ट बहुत देखने के लिए मिल रहा है, कि जो स्टक वाला रीडिंग हो या फिर लो वोल्टिंग रीडिंग हो उसमें CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। और ज़्यादातर MI के फ़ोनों में ये 4 CPU ऐसे हैं कि अगर डेड कंडीशन में फ़ोन आता है तो 90% फ़ोन है वो रिवॉल्विंग से ही हो जाता है। तो इस फ़ोन में 150 की रीडिंग पे स्टक है। तो इस फ़ोन में हम दोनों चीज़ को ही रिवॉल्व करेंगे। पहले हम इसका जो स्टोरेज IC उसको उठाएंगे, अगर हो सकता है स्टोरेज IC ड्राइव सोल्ड हुआ है तो ओनली स्टोरेज को ही रिवॉल्व करके लगा देंगे, नहीं तो ये फॉल्ट CPU का ही होता है। इसमें ब्लैक पेस्टेड है और कोई भी इसमें काम नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है। तो इस फ़ोन को हम जो हमारा स्टोरेज है और हमारा जो कॉलकॉम का 6125 CPU लगा है, उन दोनों को ही रिवॉल्व करेंगे। पहले अगर इसका जो स्टोरेज IC हम पहले निकालेंगे तो देख लेंगे, ड्रेस और रिवॉल्व दिखाई दे जाता है कभी हुआ तो उससे भी पता चल सकता है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में मैं तो अभी तक देखता आ रहा हूँ कि CPU ही रिवॉल्व करना पड़ता है ओनली। बट बाहर से आया फ़ोन है तो हम दोनों चीज़ को ही रिवॉल्व कर देंगे, कहीं बाद में जाके प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम ग्लू कटिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये मोटिवेशन वीडियो है, कुछ रिपेयरिंग के टाइम काम बिगड़ जाता है तो बहुत सारे लोग हैं उस काम को छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब ये सेट रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग डीमोटिवेट हो जाते, बोलते कि ये फ़ोन अब नहीं हो पाएगा। तो देखते रहिए, हम सबसे पहले हम ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए आपके पास डिजिटल SMD मशीन है, जिसमें डिजिट आते ही नंबर शो होता है, तो करीब 200 से 220 या 250 के आसपास का टेम्परेचर रख सकती है। अगर आपके पास डिजिटल मशीन नहीं है, आप नॉर्मल मशीन यूज कर रहे हैं, तो आप मशीन ले लीजिए, मैं तो नहीं ले पाऊँगा। मेरा तो वही पुराना वाला मशीन चल रहा है, थोड़ा सा हैंड स्क्रू उसका अच्छा हो गया इसलिए मैं उसी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, भाई आप इतना छोटा नोजल है वो यूज़ कर रहे, कैसे यूज़ कर पा रहे? भाई कर पा रहे, देखते रहे, बहुत कुछ होता है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो CPU और स्टोरेज IC के बीच में जो ग्लू कट होता है वो आपको जो अपना स्क्रैपर है उसको बिल्कुल सटाकर IC के सटाकर लगाना है, क्योंकि कभी कभार देख सकते हैं यहाँ पर बीच में कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिए दिखाई नहीं दी, देखो एक कंपोनेंट ये हो गया स्क्रैपर और एक कंपोनेंट हमारा बीच में हो गया और एक दूसरे एक स्क्रैपर हो गया। तो IC के सटाकर ही स्क्रैपर को चलाएं, यहाँ पर देख सकते हो 3 कंपोनेंट निकल आए। अगर हम बीच में चलाते तो ये कंपोनेंट है वो निकल जाते, तो ये भी चीज़ है वो देखनी पड़ती है हमारे लिए कि हम कभी कभार कंपोनेंट है वो निकल जाता है, फिर उसे ढूंढते रहते कि किस पहलू का था। देख सकते हैं यहाँ पर इस सिरे पे भी है, बीच में भी है और उस सिरे पर भी, 3 कंपोनेंट है। बताओ अगर हम बीच में स्क्रैपर चला के लो इतने पे भी वो निकल गया,
कोई नहीं, अभी रखा है, वो उड़ा नहीं है, और वो जाएगा तो क्या है, सारा चेंज कर देंगे इस मीटिंग में। देखिए इसका तो इस मीटिंग मिल जाता है एमआई का, तब भी आप ध्यान से देखें कि आप स्क्रैपर चलाएं वो बिल्कुल आईसी के सटा कर चलाएं, अगर बीच में चलाते हैं तो कंपोनेंट है वो टूट जाता है। तो इसका जो ग्लू कटिंग है वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट सही हो गया है, और उसके बाद हम इसके स्टोरेज आईसी को निकालेंगे। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ईएमएमसी ईएफएस, भाई अब आज के टाइम पर ईएफएस भी आ रहा है, ईएमएमसी आ रहा है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा ईएमएमसी है कौन सा ईएफएस है। उसे गूगल पर सर्च करो या फिर निकालने के बाद उसका बीज ही देखो कौन सा है। तो सबसे सिंपल सा तरीका स्टोरेज आईसी, वो ईएमएमसी हो या ईएफएस हो या फिर कोई भी हो, स्टोरेज आईसी। तो स्टोरेज आईसी में जो बोलूँ तो उसे आप ये समझे कि वो ईएमएमसी है या ईएफएस है या फिर नैंड है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो आप लोग ये ना भूला हो कि स्टोरेज क्या है, स्टोरेज एक मेमोरी आईसी हो, ये मेमोरी होती है। तो ज़्यादातर हमारे सस्ता भाइयों के लिए पता है, कोई फ्रेशर नहीं है हमसे जो भी जुड़े हुए। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा हट गया था, तो थोड़ा सा हम इसको लगा देते हैं, उसके बाद हम ओपन करते हैं। तो ये काम छोटे मोटे बढ़ते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा है, अभी देखते रहिए। अभी थोड़ा सा काम इसमें करेंगे, उसके बाद कभी कभार हमारा काम है वो बढ़ जाता है और दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है, हम सबसे पहले स्टोरेज आईसी को निकालेंगे। ब्लैक पेस्टेड हो वाइट पेस्टेड हो, आप साइड में जो ब्लैक पेस्ट डालते हैं वो आप ना डालें, कोई भी प्रॉब्लम, डालना चाहें डाल भी सकते हैं। उसे डालने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि अंदर तक ब्लैक पेस्टेड वो जा नहीं पाता है। ब्लैक पेस्टेड बहुत सारे में कम होता है तो चला जाता है, और बहुत सारे में नहीं होता है, कम होता है तो उसमें चला जाता है, और ज़्यादा होता है तो उसमें तो जाता ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ब्लैक पेस्ट नहीं डाला, मैं डायरेक्ट आईसी को उठा लूँगा। तो यहाँ पर आप असेंबली मशीन का टेम्परेचर है वो आप बढ़ा सकते हैं, मेरा तो डिजिटल है ही नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि छोटा नोजल आप यूज़ करते हैं कैसे काम कर लेते हैं, बड़ा यूज़ करे करो, भाई सभी का हैंड स्किल है, ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा काम है वो आप देखते आ रहे हो और देखते रहे, जो मैं काम कर रहा हूँ इसी असेंबली मशीन से कर रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सारी बॉल है वो हमारा प्रेस है, कोई ड्राई फॉल्ट नहीं है। तो इससे मैं पता चलता है कि ये हमारा सीपीयू की तरफ भी फॉल्ट है। तो फटाक से हम सीपीयू को भी निकाल लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा हीट करना नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आसानी से उखड़ गया। ये देखो भाई काम हमारा बिगड़ गया यहाँ पर, अब बिगड़ा नहीं है भाई, डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए तो मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारा कुछ स्किन है वो डैमेज हुआ है। उससे पहले मैं यहाँ पर इसका जो ग्लू कट है, ग्लू बहुत ज़्यादा रह गया है ब्लैक पेस्ट हमारा स्टोरेज आईसी के नीचे, तो हम अभी निकाल लेते हैं। थोड़ा गर्म है मदरबोर्ड तो जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद इसका निकालने का तरीका भी बहुत सारे हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ये बहुत ईजीली तरीका है। टेम्परेचर आप 200-250 के बीच में रख सकते हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर रख सकते हैं जो आपके पास डिजिटल मशीन नहीं है, कि उससे जो हमारा बॉल है, जो हमारा शोल्डर जो लगा हुआ होता है बॉल होते हैं वो मेल्ट ना हो, इतना टेम्परेचर रखना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, तो इतना टेम्परेचर पर ये होता है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं तो बॉल मेल्ट हो जाएंगी, या फिर कंपोनेंट पर टच होते ही जो स्क्रैपर है वो कंपोनेंट हट जाएगा, या फिर जिस किसी से भी क्लीन कर रहे हैं। तो इतना टेम्परेचर रखना होता है कि वो बॉल मेल्ट ना हो, और हमारा कंपोनेंट है वो मेल्ट ना होकर हट ना जाए। तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कि इस फ़ोन को हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा निकल गया है, और इसको हम कैसे स्किन को रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारी वीडियो आती है हमारे चैनल पर, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट करने की। तो ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्या करूँ, बार बार हट जा रहा है, ये तो लगता है ज़्यादा गुस्से में, मनाना पड़ेगा इसको, कोई नहीं भाई मान जा, अगली बार नहीं निकलना, नहीं तो भाई हमारा काम ऑलरेडी बड़ा हुआ है तो और टाइम वेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा प्लग पीस डालेंगे, और इसकी जो हमारा बॉल है उसको हम आयरन से सारी शोल्डर को उठा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा है, इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि वो डी शोल्डर से हटाते, तो डी शोल्डर
फालतू ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो कुछ भी है, यूट्यूब पर कुछ भी दिखा सकते हैं, उससे हमारा डिसऑर्डर है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और हम आयरन से निकालते हैं तो थोड़ा बचत हो जाता है। भाई बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर भी महंगा आता है, करीब 100-125 रुपये का आता है। तो इतना काम हमारा आयरन से हो रहा है या फिर किसी टूल से हो रहा है तो उतना यूज कीजिए, बाद में हम डिसोल्डर तो यूज़ करना ही करना है। तो इतना देख सकते हैं कितना शोल्डर है हमने आयरन से ही हटा दिया। अगर हम इसे डिसोल्डर वायर से हटाते तो बहुत ज़्यादा डिसोल्डर है वो हमारा वेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लीनिंग है प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लीनिंग है वो हो रहा है और हम इसे अब क्लीन करके डिसोल्डिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा काम बढ़ गया है उसको हम यहाँ पर स्किन बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, उसके बाद डिसोल्डिंग से हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। इस फ़ोन को हम ऑन करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऑन ना होगा, ऑन होगा। बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ देते काम को कि अब नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मदरबोर्ड फोलना नहीं चाहिए, अगर कोई भी ट्रैक डैमेज हो जाता है, निकल जाता है तो सारा काम हो जाता है, स्क्रीन भी निकल जाती है। सैमसंग के मदरबोर्ड में देखा है अधिकांश तो निकलता ही निकलता है, या तो उसका पैड टूटे या फिर हमारा जो स्क्रीन निकल जाए। उसका बहुत कमज़ोर स्क्रीन होता है, और इसमें भी शायद मुझे लगता है कि कमज़ोर स्क्रीन लगा हुआ है। इसमें जो हमारा यूवी बोल सकते हैं वो कमज़ोर लगा हुआ है, इसीलिए निकल गया है। नहीं तो निकलता नहीं है, और निकल भी आता है तो कोई क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे स्क्रीन बनाने में। और इसे स्क्रीन बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजीली तरीका है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, इसका जो शोल्डर वो उठा लेते हैं, उसके बाद हमको हम बताएंगे आपको इसको कैसे स्किन बनाते हैं। और आपके पास यूवी होना चाहिए, यूवी अभी मैंने एक वीडियो बनाया, यूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है, और उसी से हम इसके स्किन को बनाएंगे। क्योंकि उसका जो काम एक तो टाइम कम लेता है, और दूसरी बात इतना हार्ड हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लीन करके फिर से हम डिसोल्डिंग करेंगे फिर से, क्योंकि जो स्किन निकल गया है जो ग्राउंड की लाइन है, तो यहाँ पर कितना भी हम क्लीन कर लें तब भी हमारा शोल्डर वो रह जाता है। तो इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे अच्छे से, इस जो शोल्डर है वो उठा लेंगे। तो एक बार हम और कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्किन को हम बनाएंगे, और बहुत ईजीली तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये डैमेज हुआ है, तो ये ग्राउंड की लाइन है। वैसे ज़्यादातर जो स्किन निकलती है अधिकांश देखने के लिए मिला है, मैंने देखा है सैमसंग के फ़ोनों में A50 हो गया, A30 हो गया, ये डोल्डेकर CPU वाले, उनमें जो ग्राउंड की लाइन होती है वो स्किन है वो निकल ही जाता है। तो उसमें भी बनाना पड़ता है, नहीं तो उसमें ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इसमें ज़्यादा निकल गया है तो कोई नहीं, हम इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और कॉटन के कपड़े से हम पहले इसके लिक्विड को, जो पेट्रोल या थिनर को, हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, सुखा लेंगे। थोड़ा सा हम और क्लीन कर लेते हैं, हमारे लिए ये दिख रहा है जो हमारा ब्लैक पेस्टेड है उसको हम साइड से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सही पोजीशन में हमारा बैठ जाए। जो हम IC को लगाएंगे, ये हमारा ये स्टोरेज IC है या फिर बोल सकते हैं CPU है। तो हम क्लीनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि हमारा काम है वो सक्सेस हो और बाद में प्रॉब्लम ना आए, और एक बार में सेटअप वो हमारा ऑन हो। कभी कोई ऐसा है कि थोड़ा बहुत कण भी रह जाता है ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड का, तो IC उस जगह पर उठा रह जाता है या फिर हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम पहले ही इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रेपर या फिर सर्जिकल ब्लेड या फिर ट्वीजर या फिर किसी भी टूल से आप बना सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से, कुछ भी नहीं करना होता है। आपके सामने जो भी काम कर रहा हूँ मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो देखते रहिए। यहाँ पर हम स्किन बनाएंगे, यहाँ पर ये बॉल है वो ड्राई शोल्ड, तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको UV लेना है, और UV से सारे को कवर कर देना है, जितना भी आपका जो स्किन निकला है। आपको बॉल नहीं बनाना है, पहले आपको सारे पे लगाना है UV, ठीक है। बॉल किस तरीके से बनाते हैं, और सारे की बॉल नहीं बनाएंगे हम, देखेंगे अब दिखाएंगे आपको। तो पहले हम इसको UV लगा के रख देते हैं, और CPU को भी हम CPU और EMMC को, जो EMMC है UFS है, उसको हम रिवॉल्विंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको बॉल जो हमारा जो पैड है
उसको हम बनाएंगे और थोड़ा सा अलग बनाएंगे। आप लोगों को ये लगेगा कि ये भाई ये तो ऑन ही नहीं होगा, बट ऑन होगा। आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो मैं अब यहाँ पर इसे, यहाँ पर हमारा एक ये रह गया था तो इसको भी हम लगा देते हैं, और उसके बाद इसे हम यूवी लाइट से सुखाने के लिए रख देते हैं। तो इसे हम करीब एक मिनट रख देंगे, वैसे तो 3 सेकंड में ही हो जाता है कंप्लीट। तो जब तक हम जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो देखते रहिएगा।
फ्रेंड यहाँ पर हमारी जो रिबॉलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जो क्लीनिंग और रिबॉलिंग का। अब मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर हम जो यूवी किया था मास्किंग, उसको हम यहाँ पर क्लीन करेंगे, और किस तरीके से क्लीन करेंगे वो हम दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेन पार्ट है, यहाँ पर हमने यूवी किया था, तो इसकी बॉल को हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ये हमने ज़्यादा मास्किंग किया था, तो यहाँ पर ये सारी ग्राउंड की पिन होती हैं, और इनको आपको कहीं कहाँ एक या दो बॉल को ही क्लीन करना है, आप सारी बॉल को क्लीन नहीं करना है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रोक के रखा था इस वीडियो देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो बॉल क्लीन किया, अब यहाँ पर वैसे यहाँ पर बनाने के लिए हमारे लिए करीब 8 से 10 बॉल बन जाएंगी, बट हमारे लिए 8 से 10 बॉल नहीं बनानी, हमारे लिए 2 से 3 बॉल ही बना देनी है, क्योंकि ये सारी ग्राउंड की लाइन है, और ये ग्राउंड की लाइन हमारे CPU में भी सारी एक ही जगह पर कनेक्टेड होती है। तो आप एक एक दो दो बॉल ही क्लीन करना है, बाकी का अगर आप ज़्यादा हटाते हैं तो जो हमारा यूवी है वो सारा निकल जाता है, या फिर मजबूता ही नहीं बन पाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और ये चीज़ ध्यान रखें कि यूवी आप कहीं पे भी CPU के नीचे या EMMC के नीचे डालते हैं तो बहुत कम डालें, यानी कि उसका ऊंचाई ज़्यादा ना होनी चाहिए, ICU पर टंगी हुई नहीं रहनी चाहिए। तो हमने देख सकते हैं यहाँ पर यूवी मास्किंग किया है, वहाँ पर हमने एक एक दो दो बॉल को ही यहाँ पर बनाया है। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को रोक के रखा था। जो लोग सारी बॉलों को बनाते हैं, क्लीन करते हैं यूवी करने के बाद, तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक या दो बॉल को भी आप जो पैड को भी आप क्लीन कर सकते हैं। अब इतना ही मैं रहने दूंगा, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए नहीं पता था ये चीज़। अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारे लिए नहीं पता था, तो आज से पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस कर लिया, अब हम यहाँ पर दोनों IC को बैठा देते हैं, उसके बाद फ़ोन को हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। और ये फ़ोन 100% ऑन होगा, इतना बड़ा काम इसमें नहीं बढ़ा था, सिर्फ आप लोगों को लगता है कि हमारा काम है वो बढ़ चुका था। तो हम CPU को और UFS को इसमें लगा देते हैं, शायद UFS ही होगा इसमें, और CPU हमारा Qualcomm का SM6125 है।
तो ये ज़्यादातर MI के फ़ोनों में दिक्कत ज़्यादा आती है। वैसे तो ये CPU हमारे सैमसंग के फ़ोनों में, वीवो, रियलमी, ओप्पो के फ़ोनों में, उसमें तो इतना फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। हमारे लिए जो फॉल्ट देखने के लिए मिलता है इसी कंपनी में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और ये फॉल्ट मुझे लगता है कि ये मदरबोर्ड का ही फॉल्ट बनता है, शायद गिरने से, पटकने से। तो जो ब्लैक कलर का मदरबोर्ड, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ब्लैक कलर के मदरबोर्ड में ज़्यादा फॉल्ट बनता है, ग्रीन कलर के में नहीं बनता है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ग्रीन कलर के में बनता हो, नहीं बनता हो और ब्लैक में बनता हो। मदरबोर्ड तो सेम ही होती है, बस ये तो स्किन लगाई जाती है ऊपर, मास्किंग, जो UV मास्किंग की जाती है, तो वो कलर बाई कलर डिपेंड करता है। अब जो मैंने वाइट कलर का लगाया है, जो ट्रांसपेरेंट UV है, तो ये चारों तरफ दिखता है नीचे का भी। तो ब्लैक भी लगा सकते हैं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। हो सकता है भाई किसी लोगों ने फेस किया हो इस चीज़ पर, ज़्यादा नोटिस किया हो, तो मैंने तो इतना नोटिस नहीं किया, मगर मैंने इतना नोटिस किया है। ज़्यादातर ड्रेस होल्ड जो प्रॉब्लम आती है वो MI के फ़ोनों में ही देखने के लिए मिली है ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमारा जो CPU है वो यहाँ पर लग चुका है, मैंने थोड़ा सा मूव कराया है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी स्टोरेज IC को भी बैठा देते हैं। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, मदरबोर्ड हमारा हीट है, और इसको फटाक से लगा देते हैं। इसमें सैमसंग का लगा हुआ था ये, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको फटाक से लगा देते हैं और देखेंगे हमारा फ़ोन है वो ऑन होता ही नहीं होता। यहाँ पर सारे कंपोनेंट है वो हमारी सही जगह पर लगी हुई, एकदम हमारा रजिस्टर निकल गया था, हट गया था, वो हमने तुरंत ही कवर कर लिया था। तो कोई नहीं, हमारा स्टोरेज भी लग चुका है। तो थोड़ा सा मूव करा के देख लेते हैं, यहाँ पर ठीक है, मूव हो गया। तो अब इसको, मदरबोर्ड को हम थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फ़ोन को हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन डेड कंडीशन में था वो रिपेयर हो पाया नहीं हो पाया। तो फ्रेंड देख सकते हैं वही मदरबोर्ड है ये, और इस पर हमने CPU और स्टोरेज को रिवॉल्व करके लगाया है। तो इसकी शील्ड को भी हम लगा ही देते हैं, ऊपर से लगा हुआ था पत्रा, तो मुझे लगता है ये शायद इसका नहीं है, दूसरा किसी का है, तो दूसरा देख लेते हैं, शायद दूसरे मदरबोर्ड का पड़ा था यहाँ पर, तो हाँ शायद ये है। इसको लगा देते हैं और हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में तब वो रिकवर हो पाया नहीं हो पाया, और होना चाहिए रिकवर। तो ये प्रॉब्लम MI के फ़ोनों में हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर सारे कनेक्टर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, और हम चार्जिंग प्लग करके देखेंगे, उसके बाद हम ऑन करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर चार्जिंग प्लग करते हैं, Type-C पोर्ट है इसमें, ठीक है, देखते हैं। हाँ, फर्स्ट लोगो हमारा आ चुका है, देखते हैं सेकंड लोगो चार्जिंग का आएगा, आना चाहिए ये। हाँ, चार्जिंग लोगो आ गया, 3% बैटरी है, तो ऑन करके भी देख लेते हैं। तो हमारा जो फ़ोन में प्रॉब्लम था डेड कंडीशन का, वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर कहीं पर भी आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और भी हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है। ये फ़ोन है वो हमारा ऑन हो रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं ऑन होना चाहिए, सेकंड लोगो आ गया तो ऑन होगा ये। हाँ, देख सकते हैं ऑन हो चुका है, पैटर्न लगा हुआ है, कस्टमर का डाटा है, हम इसमें ज़्यादा कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।